स्टार्टिंग तो दे आर स्टार्टिंग बट यस आई एम पार्ट ऑफ इट. आई एम पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीरीज दैट दे आर डूइंग. तो इसके अंदर द परफेक्ट स्क्रिप्ट जो हम कर रहे हैं इज पार्थो घोष इज पार्थो दादाज कम बैक कह लो आप. इट्स मोर लाइक अ दादा वॉज सेइंग कि इट्स मोर लाइक अ डेब्यू फॉर मी अगेन क्योंकि आई एम कमिंग बैक आफ्टर 15-20 ईयर्स. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म फर्स्टली आई वुड से बिकॉज दे नॉट जस्ट इन टू मूवीज. ये सिर्फ मूवीज और वेब सीरीज नहीं बनाएंगे बट इनका एक डिजिटॉक एक अलग से एक और प्लेटफॉर्म है एक और ऐप है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा है एंड उसके बारे में ज्यादा आई थिंक विशाल सर आपको बता सकते हैं. सो दिस इज समथिंग स्टार्टेड बाय निशांत जी एंड विशाल जी इज ऑब्वियसली द हेड द मेन सीईओ हियर. सो हम लोग सब अभी दिन रात इसी में लगे हैं कि अप्रैल में जब इनका लॉन्च है तो उससे पहले वी कैन बी डन विद द परफेक्ट स्क्रिप्ट एंड देयर इज वन मोर व्हिच दे हैव ऑलरेडी शॉट. या Do you think this pandemic is the reason OTT platform is getting so much of hype, so much of importance? All the biggies of the industry releasing their films or their series. जी बिल्कुल. I would say that the pandemic has somewhere मतलब एक entertainment industry को एक hit तो लगा है but on the other hand अगर आप देखें तो web series, web shows, जितने भी चीज़ें जो आपके mobile में आप देख सकते हैं या iPad में देख सकते हैं या TV में देख सकते हैं digitally वो ज़्यादा चल गई हैं. वो एक आदत बन गई है. सो वंस समथिंग बिकम्स अ परमानेंट हैबिट इट्स वेरी टफ कि उसको हम छुड़ा पाएँ. तो ये चीज़ ऐसी है जो अब एक परमानेंट लत बन चुकी है आई थिंक मैं बोलूँगा कि यंगस्टर से लेके एक हर एज ग्रुप की. तो उसके अंदर ऑब्वियसली अब सबको ये चाहिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बहुत एंटरटेनिंग कॉन्टेंट हो और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो. अब जिसकी जिसको जो मन करे वो देख सकता है. आपको क्या ब्रीफ था इस किरदार को लेके जब मैं एकदम मतलब स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं. योर रोल योर कैरेक्टर इन द परफेक्ट स्क्रिप्ट. सी द परफेक्ट स्क्रिप्ट इज अबाउट लव बिट्रेयल एंड रिवेंज एंड आई वुड से दैट दिस कैरेक्टर ऑफ माइंड इज अ कैरेक्टर जो एक थिएटर डायरेक्टर है एक थिएटर एक्टर राइटर. सो ही इज लाइक समवन हु राइट्स स्क्रीन प्लेज. तो अगर रियल लाइफ में मैंने जहाँ से उठाया इज समवन लाइक अतुल कुलकर्णी. तो अतुल जी इज़ अ फैंटास्टिक थिएटर डायरेक्टर एक्टर राइटर एंड वो बीच में कभी कभी फिल्में करते हैं. सो कभी कभी नहीं मतलब बहुत अच्छी करते हैं. सो दिस गाय इज मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके उठाया और दिस वॉज एग्जैक्टली दादाज थॉट ऑल्सो कि ये बंदा ऐसा है जो अपनी कहानियाँ लिख के एक्ट करता है उसके अंदर लेकिन उसके साथ में इसकी वाइफ का एक पर्टिकुलर रोल है इसके बेस्ट फ्रेंड का रोल है और राहुल देव जो बाबू हैं उनका एक इंटरेस्टिंग. सो ये चार मेन किरदार हैं. अभी उसी के अंदर आगे जाके ये कुछ ऐसी कहानी गढ़ता है कि एवरी वन सॉर्ट ऑफ स्पिन्स अराउंड इट. So I think your character remind me of Sanjay Dutt what he have done in Shabd along with Aishwarya. How similar it would be? मतलब हाँ somewhere see this is not close to Shabd. I would not say that because वहाँ पे ये था कि जो ये लिख रहा है वो हो रहा है. सो यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता आपको. ये दादा बता सकते हैं या फिर विशाल सर बताएंगे क्योंकि this is something you'll have to see. जो है ये हम उस विजयंस के थ्रू से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं कि इनका जो मोटो जो है जो विजन जो है डिजीफ्लिक्स टीवी का वो है हम गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे लिए ना कोई आदर्श OTT का कोई चैलेंज है क्योंकि हम जब इसका लॉन्च करेंगे जब पब्लिक देखेंगे इस चीज़ को और टोटली डिफरेंट वे में हमारा डिजीफ्लिक्स टीवी का हर एक वेब सीरीज़ हर एक शॉर्ट मूवीज़ हर एक वेब फिल्म जो भी है हमारा कंटेंट हमारा मेन USP है और जो एक्टर्स हम लोग जो लिए हैं हम इस हिसाब से उनको लिए हैं कि जो उनका जो वैल्यू है मार्केट पे उसको हम इस हिसाब से हमारा वो विज़न के हिसाब से हम लोग लिया हुआ है. हमारे लिए कोई अदर्स OTT का कोई चैलेंज नहीं है. वही चैलेंज अदर्स OTT प्लेटफॉर्म. और चीज़ कोई चीज़ का ओवरडोज होता है तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट की बात नहीं क्रिकेट की बात करें क्रिकेट अभी T20 से T10 तक आ गया है तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है तो उसकी और बताइए क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का ओवरडोज होते जा रहा है तो वो चीज़ कितना लॉजिकल आपको लगता है? नहीं देखिए क्रिकेट एंड मीडिया जो है टोटली डिफरेंट थिंग्स से. आप अगर अच्छा कंटेंट ऑडियंस को अगर आप प्रेजेंट करते हैं विथ गुड परफॉर्मेंस गुड कंटेंट गुड मेकिंग तो 101% वो क्रिकेट छोड़ के हमारा एक शो देखेगा. आई वुड डिफर इन दिस
मैं बोलूँगा कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ जहाँ क्रिकेट लविंग पीपल हैं या एंटरटेनमेंट, तो आपको पता है कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो विच आर ऑलवेज ग्रोइंग. तो द मोर देर इज़ द बेटर देर इज़ बेटर इट इज़ बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वर्ल्ड की कि जितना भी आए वो सब समा जाता है उसका. So Ranjit, it's all absorbable. Ranjit, did you meet Atul Kulkarni and have you taken references how you walk, how you talk? Are you trying to? Nahin, I saw a lot of his videos. No, I've not at all tried to copy, sir. But uske andar I've seen a lot of his videos and I saw a lot of Makarand Deshpande's videos. Plus, with Dada ke saath baithke we did a lot of work on Rohit's character. So, wo kafi kiya gaya. Kya censorship honi chahiye OTT platform ke liye? See, ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कि एट द मोमेंट यू कांट रियली से इट, बट आई थिंक देर शुड बी थोड़ा सा, तो कुछ तो एक होना चाहिए क्योंकि आज की डेट में अगर यू नो अभी पीछे आई वोंट नेम इट यू नो इट कि अभी एक दो बड़े ऐसे शोज रिलीज हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं. देव गॉट सडन इवन सुप्रीम कोर्ट से देव गॉट समन. सो देर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ चेक. तो उसका वो कॉन्टेंट चेक एट द मोमेंट सिर्फ वो चैनल वाले कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी पर्टिकुलर सेंट्रल बॉडी नहीं है जो चेक कर रही है. तो देर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ दैट चेक कि आप ये नहीं है कि कुछ भी बोल सके. तो वो प्रोसीजर पहले क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, वंस फॉर एग्जांपल द बिग 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 इज यू नो यू नॉट यू नॉट टेक द नेम बट आई कैन तांडव, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड इट. व्हाई इट इज नॉट प्लान इन सच अ वे कि जब रिलीज हो जाए उसके बाद किसी को क्रिएटिव एक आदमी को एक डायरेक्टर को एक मेकर को आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आप इसी तरह से चलना चाहते थे तो पहले सब कुछ क्यों नहीं किया? सी आई फील कि यूजली जो क्रिएटिव राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं शो रनर्स हैं व्हेन दे क्रिएट अ कंटेंट वेदर इट्स फॉर अस ऑल्सो डिजीफ्लिक्स में भी जैसे पार्थो दास दादा ने लिखा है या आप कह रहे हैं तांडव में जैसे लिखा है या अदर शोज में जब उन्होंने लिखा होता है तो दैट कॉन्टेंट इज यूजली स्कैंड बाय इन दिस केस अमेजोन और अदर केसेज अदर OTT प्लेटफॉर्म्स. सो इट्स देयर टीम विच इज़ चेकिंग इट. सो उस टीम में इवन लीगल टीम्स आर इन्वॉल्व. ऐसा नहीं है कि वो नहीं इन्वॉल्व है, वो हर पॉइंट पे बैठे होते हैं टू चेक कि ये गलत नहीं होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए, बट देन कहीं ना कहीं से कोई लूप निकल ही आता है. आई फील देयर शुड बी, वरना फिर एक नॉर्मल यूट्यूब में और इसमें फ़र्क क्या रहेगा? मतलब आप जो बहुत कॉन्टेंट है जो आप यूट्यूब पे अदरवाइज देख सकते हैं एंड फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रहता. कब तक है हमारा ग्रैंड लॉन्च जो है वो हमारा अप्रैल में है एंड वी आर लॉन्चिंग सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है इस मंथ मतलब फरवरी मंथ में हम लोग कर रहे हैं.